नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सड़क हादसे के बाद पिछले 8 घंटे से जाम। बोकारो रामगढ़ उच्च पद मलवा हटाने का किया जा रहा है काम। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने कर रखा है सड़क पर जाम। बोकारो रामगढ़ मुख्य पथ बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास तेज गति से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसमें सड़क किनारे खड़े ऑटो में सवार लोग इसकी जद में आ गए और सभी लोग दब गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जो ऑटो चालक है जिसका नाम मोहम्मद शमीम है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि लोग इस हादसे में अन्य लोगों के भी दबे होने की बात कहते नजर आ रहे थे। फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बोकारो के विधायक चास, अंचलाधिकारी और सिटी DSP ने लोगों को समझाने बुझाने का काम किया और नियम मुताबिक मुआवजा देने की बात करते हुए मृतक की पत्नी को अंबेडकर आवास और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला कराने की बात कही है, लेकिन मृतक के रिश्तेदार ने मृतक परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने की मांग करते हुए सरकारी नौकरी की मांग की है। सुबह लगभग 6 बजे से मुख्य सड़क जाम है और लोग मुआवजे को लेकर आंदोलनरत हैं। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने मृतक के परिजनों के साथ जाकर बोकारो के DC के साथ वार्ता की और जिस कंपनी का यह ट्रक है कंपनी प्रबंधन से अधिक मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाते हुए यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर कितने लोग इस मलबे के जद में आए हैं। सुबह सुबह सूचना मिली थी कि एक हाईवा, जो लोडेड हाईवा है, वो पलटी मार दिया है, जिसमें कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं। इसी संबंध में हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे पाया भी गया कि एक व्यक्ति दबे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं घायल हैं, जिनको BGH में भर्ती कराया गया है, और इसी में हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश है कि इस तरह की घटना हुई है तो हम लोगों को कुछ मुआवजा दिलाया जाए। अभी भी अंदर दबने होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि इसको साफ करने दिया जाए, जो भी मलबा है या जो भी चीज़ है उसको हटाने का प्रयास करके ही हम लोग पता कर पाएंगे कि अंदर कोई है या नहीं है। कितने घंटा सड़क जाम रहता कार्रवाई का? सुबह 7 बजे से ही ऐसा है और अभी तक लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आशा है कि हम लोग कुछ देर में इसको क्लियर करा लेंगे। तो लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, एक तो अभी दिख रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर और भी हैं तो वो भी हम लोग जो है देख सकें और रेस्क्यू हम लोग कर सकें। परिजनों से वार्ता हो रही है, कंपनी के भी लोग से भी वार्ता हुई है, DC सर और SP सर के स्तर से, और वो लोग आ रहे हैं थाना में। हम लोग जो है सभी संबंधित जो विभाग हैं बैठेंगे और जो उचित मुआवजा होगा सरकार के स्तर से वो भी मिलेगा और दूसरे भी तरीके से उन्हें मैक्सिमम जो है लाभ हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। मांग है कि मैक्सिमम मुआवजा मिले और आंगनबाड़ी में अगर नौकरी हो जाए तो बेस्ट है। ये 5:30 बजे का घटना है और ये टेम्पो ड्राइवर का नाम है और 5:30 बजे घटना, गाड़ी साइड में लगा हुआ था और डंपर बहुत स्पीड में आ रहा था, ठोकर इसको दिखाई नहीं दिया, डंपर फान गया, फानने के बाद ये गाड़ी में खड़ा हुआ, गाड़ी में मारा डंपर, अब मारने के बाद यह डंपर ड्राइवर फेंकाने के बाद ये डंपर पलट गया, उसके तर में आदमी सब बोल रहा है, एक दो आदमी और है इसमें। पैसेंजर लेके आया था? हाँ, पैसेंजर लेके शिवंडी का ही रहने वाला है और पैसेंजर भी था, पैसेंजर को भी एक को हम देखे उसको भी घायल था, वो हाथ गोड़ में चोट लगा हुआ टूट टूट गया, उसको BGH में आदमी यहाँ का विदा किया, भर्ती करवाए गया है। दबे होने की आशंका है क्या? जी लगता दबे हुए का आशंका हो सकती है।